आज हमारे साथ हैं मिस्टर आनंद आर्नोल्ड, जो कि मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके टाइटल्स जानना चाहेंगे। सर, मैंने टाइटल जीते हैं, 3 टाइम मिस्टर इंडिया जीता है और 12 टाइम मिस्टर पंजाब जीता है और 27 अदर टाइटल्स जीते हैं मैंने। मतलब आपको बॉडी बिल्डिंग से इतना प्यार क्यों है सर? बॉडी बिल्डिंग से मेरे को इसलिए प्यार है क्योंकि मेरे जो पापा थे वो भी बॉडी बिल्डर थे, मेरे ब्रदर वो भी बॉडी बिल्डर थे और मेरे ताऊ जी वो ओलंपियन थे हॉकी के, तो मॉम मेरी वो भी स्पोर्ट्स में थे, तो हमारी फैमिली पूरी स्पोर्ट्स में है। अच्छा, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आप व्हील चेयर पर हैं, तो आप बॉडी बिल्डिंग को इतना मैनेज मतलब कैसे कर पाते हैं वर्कआउट के लिए? थोड़ा सा मतलब वो बहुत काफ़ी टफ होता होगा मैनेज करने में। जी, बहुत ज़्यादा टफ होता है। एक जैसे कि अब एक नॉर्मल पर्सन से तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, व्हील चेयर पर्सन को ये होता है कि उसकी लातें नहीं चलती। अब मेरी लोअर से मैं चल नहीं पाता, तो मेरे लिए कार्डियो तो इम्पॉसिबल है और एब्स लगाना, बहुत सी एक्सरसाइज करना, अपने आप को मेनटेन करना बहुत मुश्किल होता है। कि व्हील चेयर पर्सन जो है वो डाइट ज़्यादा भी नहीं खा सकता बिकॉज बॉडी में फैट लेवल बढ़ जाता है, और कम भी नहीं खा सकता कि मसल लेवल कम हो जाता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से ये करना पड़ता है ये सब। मतलब जैसे अपने आप को फिट रखने के लिए आप मतलब सप्लीमेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आप नॉर्मल डाइट पे ज़्यादा रहते हैं, नेचुरल डाइट पे? मैं नेचुरल डाइट पे ज़्यादा रहता हूँ। तो आप कोई ब्रांड किसी ब्रांड का कोई सप्लीमेंट्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं क्या? नॉर्मल जैसे आई थिंक जैसे प्रोटीन्स वगैरह तो एक बॉडी बिल्डर्स की नीड ही होती है। नहीं, फिलहाल मैं ऐसा यूज़ नहीं करता, अगर मेरे को यूज़ करता हूँ तो 6 महीने में 7 महीने में एक बार ही मैं यूज़ करता हूँ। और मतलब आप जैसे वर्कआउट कितने टाइम करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम होता है या सिर्फ ओनली वन टाइम होता है? नहीं नहीं, एक टाइम होता है मेरा, 2.5-3 घंटे का मेरा वर्कआउट होता है। जैसे कि हम अभी आप फिटनेस गुरु मैगजीन है हमारी, तो आप उसके हमारे चैनल पे हैं, आप अपने इंडियन फैंस को कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल फिटनेस गुरु की तरफ से? मैं पूरे इंडिया को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर मैं व्हील चेयर पर बैठ के मैं अपना पूरे दुनिया में नाम कर सकता हूँ तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप मेरे बारे में जानने के लिए, मेरी बुक जो है पब्लिश हुई है हॉलीवुड में, उसका नाम है वेटलेस, अ ट्रू स्टोरी ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन, और अभी एक मूवी आ रही है सुप्रीम, उसमें एज अ मैं पॉजिटिव रोल मेरा है, तो आप नेक्स्ट ईयर वो इसी ईयर आप वो देख सकते हैं, और एक और मूवी बन रही है तो होपफुली वो नेक्स्ट ईयर तक बन जाएगी। सर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और इसके लिए हम आपका बहुत बहुत थैंकफुल हैं। थैंक यू सर।